नमस्कार, पेन हिलर अभिजीत चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बॉडी बहुत हीट हो रहा है और ये इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे बीमारी पैदा होता है। लू लगना, हीट स्ट्रोक होना है, लूज मोशन होना है, जॉन्डिस होना, बॉडी में रैसेस होना, बॉडी में इचिंग होना, बहुत सारे बीमारी होता है इस गर्मी में। तो मैं आज कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके ये प्रचंड गर्मी से आप अपने आप को स्वस्थ रह सकते हो। नंबर वन में, गर्मी के मौसम में आपको सुबह सुबह उठ जाना चाहिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से बॉडी के इम्यूनिटी बढ़ेगा, बॉडी के इम्यूनिटी बढ़ेगा तो रोग प्रतिरोध होगा और बॉडी में बीमारी नहीं आएगा। और गर्मी के मौसम के लिए कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम है जिसको करने से आपका बॉडी ठंडा रहते और टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे शीतली प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतला प्राणायाम, ये करेंगे तो हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ये एक्टिव रहेगा और अपना बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे और इसमें ब्रेन मन सब शांत रहेगा और बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, गर्मी आपको कम रहेगा। ये प्राणायाम कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। ये टॉपिक आज दूसरे है इसलिए आप प्राणायाम आपको दिखा नहीं रहा हूं, अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या क्या प्राणायाम करना चाहिए इस गर्मी के मौसम में बॉडी के शांत रहने के लिए, शीतल रखने के लिए। नंबर दो, आप एक्सरसाइज करके आके ही बॉडी पसीना रहता है, पसीना अच्छा चीज है गर्मी के मौसम में क्योंकि पसीना इवापोरेट होता है, वेंटिलेट होता है, तभी जाके बॉडी का ठंडक पहुंचता है, मतलब हवा लाएगा बॉडी में, पसीना सूखेगा और बॉडी कूल होगा, तो पसीना आना भी बहुत अच्छा है। लेकिन पसीना में आके ही तुरंत ठंडा पानी में नहीं नहाना चाहिए, थोड़ा पंखा के नीचे बैठ जाइए, थोड़ा बॉडी को शांत होने दे, पसीना सूखने दे, उसके बाद हल्का ठंडा पानी से नहा लीजिए। ज़्यादा ठंडा पानी से नहाने से अपना बॉडी जो भेसल है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी और बहुत सारी बीमारी उसके वजह से हो सकता है, तो इसलिए बॉडी को ठंडा होने दे और नॉर्मल पानी से नहाए। और गर्मी से आने के बाद तुरंत ठंडा पानी मत पिए, तुरंत ठंडा पानी पीने से बॉडी का इंटरनल ठंडा हो जाता है लेकिन बाहर का मौसम गर्म रहता है, इसलिए बॉडी को फाइट करना पड़ता है और एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ता है, इसके वजह से और ज़्यादा गर्मी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो गर्मी से आके थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा शांत है, थोड़ा सा कूल होके उसके बाद ही नॉर्मल पानी पीजिए। एकदम ठंडा पानी पीने से सर्दी गर्मी लग सकते हैं, सर्दी लग सकता है, आपका गला में दर्द हो सकता है, टॉन्सिल फूल सकता है, तो इसीलिए नॉर्मल पानी पीजिए, ज़्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। एक्सरसाइज किया, नहाया धोया, इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट में या खाना में हमेशा आप सैलड इस्तेमाल कीजिए, सैलड में प्याज और खीरा जरूर रखिए। प्याज और खीरा पाचन को बढ़ाता है, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। प्याज में सेलेनियम करके एक प्रॉपर्टीज रहते हैं जो बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ाता है और प्याज में विटामिन सी भी रहता है जो बॉडी का इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है और लू लगने में बचाता है। तो खाने में आपने प्याज और खीरा जरूर रखिए, इसमें बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया लेकिन खाने में आप
सैचुरेटेड फैट जो बटर, चीज, घी, कोकोनट ऑयल, जो चीज नॉर्मल घर के टेम्परेचर में जम जाता है वो सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये सैचुरेटेड फैट इस गर्मी के मौसम में मत खाइए, इसमें ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होता है और सैचुरेटेड फैट हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल LDL प्रोड्यूस करता है, लो डेंसिटी लोकोमोटिव प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए गर्मी के सैचुरेटेड फैट खाना बंद कर दीजिए, पैकेट फूड खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि पैकेट फूड में ज़्यादा सॉल्ट रहता है, ऐसे गर्मी है हाइपरटेंशन हो जाता है पेशेंट आदमी का, तो और ज़्यादा सॉल्ट लेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए कैन फूड, पैकेट फूड ये चीज नहीं खाना है। आपने एक्सरसाइज कर लिया, नहा लिया, खाना खा लिया, अभी आपको जाना है बाहर, तो ये गर्मी के मौसम में जितना हो सके आप सुबह 12 बजे से पहले अपना काम कर लीजिए या 3 बजे के बाद अपना काम कीजिए, क्योंकि 12 से 3 बजे तक धूप बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें आपका गर्मी लग जाएगा, आप बाहर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो कोशिश करना है, अगर इमरजेंसी नहीं है तो सुबह 12 से पहले और नहीं तो 3 बजे के बाद अपना काम कर लीजिए। बाहर निकलना है तो सिर के हमेशा ढक के रखिए, सिर को ढकने से सिर में आपका गर्मी नहीं लगेगा, सिर में अगर गर्मी लगेगा तो आपका ब्रेन गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, दिमाग गर्म हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर जो ब्रेन ऑक्सीजन है उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। ब्रेन की ऑक्सीजन की कमी होने से आपको माइग्रेन शुरू हो जाएगा, हेडेक शुरू हो जाएगा, चक्कर आ सकते हैं आपका, उल्टी आ सकते हैं, तो इसलिए बाहर जब भी जाते हैं आपका सिर को ढक के रखिए। बाहर जाने के टाइम आप लाइट ड्रेस, सफ़ेद या हल्का कलर का ड्रेस पहनिए, क्योंकि काला कलर या डीप कलर पहनने से सूर्य की रश्मि को एब्जॉर्ब करता है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा गर्मी लाएगा। इसलिए बाहर जब भी निकलते हैं तो लाइट कलर का शर्ट पहनिए, सफ़ेद कलर का शर्ट पहनिए, इसमें आपका बॉडी कंफर्टेबल रहेगा। और इसके साथ थोड़ा सा लूज ड्रेस पहनिए, लूज ड्रेस पहनने से बॉडी के अंदर हवा अच्छा पास होगा, अगर पसीना भी आ रहे हैं तो वो सूखेगा और बॉडी आपका कूल रहेगा। और जितना हो सकते तरल पदार्थों के सेवन करें, नारियल पानी पीजिए, नींबू शरबत पीजिए, नींबू शिकंजी पीजिए, पाइनएप्पल जूस पीजिए, गन्ना का जूस पीजिए, मट्ठा खाएं, लस्सी खाएं, जितना हो सके लिक्विड को इंटेक कीजिए, इसमें बॉडी का फ्लूइड बैलेंस आपका सही रहेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, आपका बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पानी पीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया, सुबह काफ़ी रनिंग किया हो या बहुत ज़्यादा मेहनत करते, बहुत ज़्यादा बॉडी से आपका फ्लूइड लॉस होता है, पसीना निकलता है, तो आप ज़्यादा पानी पीजिए। आप जब यूरिन पास करेंगे, अगर यूरिन कंसेंट्रेट है, मतलब गारा है और योलो ज़्यादा यूली से, तो इसका मतलब आपका बॉडी में डिहाइड्रेट है, आपका बॉडी में पानी के रिक्वायरमेंट है, तो आप ज़्यादा पानी पीजिए। हर आदमी का बॉडी का पानी का रिक्वायरमेंट एक जैसा नहीं है, कोई घर में बैठ के काम करता है या ऑफिस के पंखा के नीचे काम करता है, उसका पानी का इंटेक कम होने से चलता है, जो बाहर काम करता है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपका यूरिन को फॉलो कीजिए कि आप यूरिन पास किया तो किस तरह का यूरिन हुआ, अगर ज़्यादा गाढ़ा कंसेंट्रेट और यूलिस हो रहा है तो आप ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि आपका बॉडी डिहाइड्रेट होने से तब ये इसी तरह का यूरिन पास होता है। तो नॉर्मली आप 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए और जितना पानी हो है लिक्विड है इंटेक कीजिए। और
रसलो फल जैसे तरबूज, खरबूजा, पाइनएप्पल, मैंगो, जिसमें ज़्यादा फ्लूइड रहता है, इस तरह के फल खाइए। गर्मी के मौसम में ये आपका बॉडी का फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेगा। और सीजन फूड खाइए, ये जरूरी नहीं है कि महंगा फ्रूट खाना है, आपका बजट के हिसाब से फ्रूट खरीदिए, जो कम रेट है, सीजन फूड कम रेट रहता है तो उसको खाइए और बॉडी का फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन कीजिए। और बाहर कभी भी जाते हैं एक पानी का बोतल साथ में रखिए, उसमें कभी जरूरत पड़ेगा तो आप पानी पी लीजिए। अगर बाहर गया, अगर आपका लू हो गया, लू लगा या हीट स्ट्रोक हुआ, तो तुरंत कोल्ड स्पंज कीजिए और बॉडी को ठंडा कीजिए, और जितना जल्दी हो सके नियर बाय हॉस्पिटल में, नज़दीक हॉस्पिटल में आप ले जाइए। घर में ज़्यादा देर तक मत रखिए। अगर ये पूरा टिप्स मेरा फॉलो कीजिएगा तो आपको इस प्रचंड गर्मी में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और सफल रहेंगे। अगर ये वैल्यूएबल टिप्स आपको पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना नियर और डियर के साथ शेयर कीजिए। इस गर्मी में सबको स्वस्थ रखिए। इसी के साथ आज मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।